आपने ट्यून किया है चैनल आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएं। आज जो कहानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका नाम है दस्तक खुशियों की। इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। इस साल का सबसे युवा और सर्वाधिक कामयाब स्टार्टअप के वर्ग में जो विजेता कपल है उसका नाम है मनस्वी और सार्थक। एंकर ने कहा, स्टार्टअप की दुनिया में आप दोनों रोल मॉडल माने जाते हैं। इन्होंने नई सोच, हिम्मत और मेहनत के साथ स्टार्टअप को नया आयाम दिया है। ये एक ऐसे युवा स्व उद्यमी है जिन्होंने मेड इन इंडिया की सोच को गति दी है, प्रगति दी है, और आज ऐसे ही लोगों की कामयाबी को हम मना रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं मनस्वी और सार्थक से उनकी कामयाबी का राज। एंकर ने ये प्रश्न किया तो सार्थक ने कहा, देखिए दिल्ली में 3 साल तक मैंने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया। उस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लोग घर पर बैठे अपने दरवाजों पर उस दस्तक का इंतजार करते हैं कि कोई उनके लिए चीजें डिलीवर करे। इंतजार करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और डिलीवर करने वाले बहुत कम। तो हमारा पहला स्टार्टअप था डिलीवरी सर्विस ट्रेनिंग। उधर मनस्वी ने भी बताया कि वो कनाडा से पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के वक्त महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट कर रही थी और उसकी टीम को बेस्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला था। उसी वक्त उसने सोच लिया था कि भारत लौटकर वो जरूर कुछ अपना काम करेगी और उसकी खुशकिस्मती कि उसे सार्थक का साथ मिला। मनस्वी ने कहा, हमारा दूसरा स्टार्टअप डिलीवरी गर्ल्स की ट्रेनिंग और टीम तैयार करना था। एंकर ने फिर पूछा, आपका लेटेस्ट स्टार्टअप का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सार्थक बोला, इसका श्रेय तो मम्मी को जाता है। उन्हीं का आइडिया था कि ऑफिस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को घर जैसा खाना बनाकर खिलाएं, डिलीवर करें, तो फिर आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत सारी गृहणियां हैं जो अच्छा खाना बनाती हैं और फूड डिलीवरी सर्विस भी करना चाहती हैं, पर नहीं जानती कहां से करें, कैसे शुरू करें। तो हम लोगों ने फूड फ्रॉम किचन टू ऑफिस ऐप शुरू किया और अगले 2 साल में हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गृहणियों को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएं। एंकर ने फिर पूछा, कुछ और बताइए अपने सफर के बारे में। सार्थक ने बताया, देखिए कोई भी सफर हो ना, वो एक कदम से शुरू होता है, बशर्ते वो कदम सही दिशा में हो। अगर सही हम सफर मिल जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं खुशकिस्मत रहा कि हौसला देने वाली मेरी माँ और सही राह दिखाने वाली मेरी हम कदम, मेरी हमराही मनस्वी, दोनों मेरे साथ थे। पर इस सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। मैंने बड़ौदा में हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद में दिल्ली आ गया। फिर मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करना भी शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, मैं कई बार गिरा, पर माँ की बात याद रहती, इरादे अगर नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर, ओ ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। नहीं चलते देख के आगे ठोकर से है चूर, ऊंचे नीचे
चला चल बन मिले जाएगा। जो कोई सोया उसने ही खोया, बात हमारी याद हमेशा रखना तू जरूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह मेरा ही रुकना जाना हो करके मजबूर। हो ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तुझे प्यार भी मिले पथ में तो समझना यही, ये है रास्ते की छांव, साथी तेरी मंजिल नहीं। तेरा तो अपना और है सपना, अपने ही सपनों की मंजिल से ना रह जाना तू। रुकना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह मेरा ही रुकना जाना हो करके मजबूर। अभी भी याद है 5 साल पहले का वो दिन, कहर मानसून का ऐसा जैसे सैलाब आ गया हो। क्या रास्ते क्या मकान, हर तरफ पानी पानी, यातायात तो ठप, घर से बाहर निकलना दुश्वार, कितने सारे पेड़ गिर गए और सारे एरिया में बिजली गायब। ऐसे मौसम में सार्थक डिलीवरी करने के लिए निकला, डिलीवरी अपूर्व को देनी थी। अपूर्व के घर में बारिश के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और घर में खाने योग्य कुछ भी नहीं था। जब उसने डिनर का ऑर्डर दिया तो बाहर का नजारा देखकर मायूस हो गया। यहाँ पेट में आग लगी थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था डिलीवरी बॉय, रेनकोट पानी से तरबतर। बिजली नहीं है ना, इसीलिए डोरबेल नहीं बजाई, अपूर्व ने खाने का पैकेट लेते हुए कहा। तो लिफ्ट भी बंद हो गई होगी ना, तुम 7वीं मंजिल तक पैदल आए? वो मुस्कुराया। पेमेंट कैसे करेंगे सर, कैश या ऑनलाइन? अपूर्व ने पैसे दिए और बोला, गरम चाय लोगे या कॉफी? बोलो थैंक यू सो मच, और भी बहुत जगह फूड डिलीवरी करनी है। अगर कुछ देना चाहते हैं सर तो बस अच्छी ऑनलाइन फीडबैक दे देना और रेटिंग दे देना। श्योर श्योर, क्या नाम है तुम्हारा? सार्थक संघवी। खाने का पैकेट खोलने से पहले अपूर्व ने मोबाइल पर ऐप खोला, सार्थक को 5-स्टार रेटिंग दी और लिखा, बेस्ट डिलीवरी बॉय। लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा है, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं।
मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा सार्थक ने रात तक 7 डिलीवरी के ऑर्डर पूरे किए। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने सबसे पहले गर्मा गर्म सूप दिया। पूछा, सार्थक तुमने कैसे मैनेज किया, आज 3 बॉयज छुट्टी पर हैं और बेटा तुमने तो अकेले सारा काम संभाल लिया, बहुत अच्छे। वाह बॉस, अपनी वाह वाही शब्दों से नहीं पैसों से कर देना, इस बार उन तीनों का बोनस भी मुझे दे देना। दोनों हंस पड़े। तभी मैनेजर का मोबाइल बज उठा, कंपनी के सीईओ का कॉल था। बात पूरी होते ही सार्थक ने पूछा, ऑल वेल? हाँ, बिग बॉस ने बताया कि अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी के 2 डिलीवरी बॉयज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोल्डन अपार्टमेंट में जो लड़की से छेड़खानी का केस था, उसकी सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों बॉयज की क्लिपिंग मिली है। सारी मीडिया में उसका हो हल्ला हो रहा है। सार्थक ने सूप खत्म करते हुए कहा, कुछ ऐसे बदमाश लड़कों के कारण सबका नाम खराब होता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हारी सर्विस फीडबैक तो हमारी कंपनी में सबसे अच्छी है, बेस्ट रेटिंग मिल रही है। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा, उसने फोन को काट दिया। मैनेजर ने पूछा, भाई ये कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल करता है और तुम हमेशा अवॉइड करते रहते हो? फोन फिर बज उठा, इस बार सार्थक ने फोन उठा लिया। हेलो, हेलो माँ, बेटा मैं टीवी पर देख रही हूँ, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब माँ मानसून है तो बारिश तो होगी ना? बेटा सब तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, इसीलिए कॉल तो करेंगे ना। तुमने फिर से मनस्वी का फोन काट दिया? माँ मैं काम पर हूँ, प्लीज। देखो बेटा, अपने पार्ट टाइम जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई के साथ साथ कभी अपने लिए, अपने अपनों के लिए भी तो वक्त निकालो। ओके मम्मी जी, और कोई हुक्म? अच्छा, बड़ौदा कब आ रहे हो, घर कब आओगे बच्चे? अब पहले एग्जाम तो दे दूं, डिग्री मिल जाए, अपनी पहचान तो बनाऊं। तुम और तुम्हारे बहाने, चलो
ऐसा करो एक बार मनस्वी से बात कर लो, वो बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। माँ मुझे अब रूम पर लौटना है, बारिश बहुत तेज है, बाद में कॉल करो, बाय। जिंदगी जिंदगी जिंदगी
दिन बाद रिव्यू मीटिंग थी। मैनेजर बोले, देखिए आज कंपनी सीईओ खुद समीक्षा मीटिंग में शामिल होंगे, सब तैयार रहना। सीईओ ने आते ही कहा, बॉयज अब त्योहारों का सीजन शुरू होगा, हमारा टर्नओवर ग्राफ डबल होना चाहिए। हाँ, आर वी रेडी? यस सर, सभी ने बोला। किसी को कोई शिकायत या कोई फीडबैक? सर वो डिलीवरी के लिए जब हम बाइक पर जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है, कंपनी की पंच लाइन है सबसे तेज डिलीवरी, और स्पीड पर गौर करते हैं तो ट्रैफिक नियमों से पंगा हो जाता है। देखो भाई, रोड रूल्स तोड़े बगैर स्पीड और सेफ्टी में जो बैलेंस बनाए वही होते हैं बेस्ट डिलीवरी बॉय। पर सर कुछ कस्टमर्स तो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि दिमाग घूम जाता है। क्लाइंट इज द किंग या क्वीन, याद रहे, सिर्फ खाना डिलीवर करने जाते हो, कोई दोस्त बनाने नहीं जाते। और सर अक्सर ये जो रेस्टोरेंट से हम फूड पिकअप करने जाते हैं ना, उनकी पैकेजिंग इतनी खराब होती है कि खाना गिर जाता है। सीईओ ने कहा, देखो सिर्फ डिलीवरी पर ही नहीं पिकअप पर भी ध्यान देना सीखो, वो बहुत जरूरी है। सर ये हमारे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। सीईओ बोले, एक बार फिर हाईएस्ट रेटिंग एंड बेस्ट फीडबैक है सार्थक। तभी सार्थक का मोबाइल बज उठा, उसने कॉल काट दी। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, गो अहेड टेक द कॉल। माँ मीटिंग चल रही है, सार्थक बोला। ओ मैं बाद में करूं क्या? नो नो इट्स फाइन, अब बोलो। आपकी आवाज से तो लगता है आप बहुत खुश हो। ऑफ कोर्स, दो दो वजह है। पूछोगे नहीं? मेरे पास कोई और चॉइस है, सुनना तो पड़ेगा, बताओ। रूपा मेहता ने बताया कि तुमने उनके लोन की आखिरी किश्त भी चुका दी है। ऑफ कोर्स माँ, रूपा आंटी और संजय अंकल ने तो मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की है, आप ही से तो सीखा है किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चे। माँ आप खुशी की दूसरी वजह भी बताने वाली थी ना? हाँ बेटा, वो रूपा जी ने जो नया क्लाउड किचन शुरू किया है ना, मेहता जी अब उसे और भी बढ़ाना चाहते हैं, हेड शेफ मैं ही होंगी, और उनको तो तुम्हें पता ही है कि मुझ पर कितना भरोसा है। अब वो चाहते हैं कि काम और बढ़े। मनस्वी अगले महीने कनाडा से आ रही है ना? मनस्वी का नाम सुनते ही सार्थक अनमना हो गया, बोला, माँ मैं फोन रखता हूँ, डिलीवरी के लिए जाना है। माँ की बेस्ट फ्रेंड रूपा मेहता की इकलौती बेटी मनस्वी स्कूल के दिनों से ही सार्थक को चाहती थी, लेकिन सार्थक चाहता था समन्विता को। पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। माँ के केटरिंग काम में सार्थक हाथ बटाने लगा। वहीं अचानक से समन्विता दिल्ली चली गई और सार्थक भी आगे पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का असली कारण था समन्विता को ढूंढना। 3 साल गुजर गए लेकिन कभी भी समन्विता को भुला नहीं पाया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तेरी बाहों में बीती हर शाम,
बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा नशा दौलत का ऐसा भी क्या के तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के काम और स्टार्टअप की पढ़ाई को वो इतनी शिद्दत से करने लगा कि कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं रहता था। सार्थक के मैनेजर ने कहा, सार्थक आज ये जो ऑर्डर है ना ये बड़ा हाई एंड क्लाइंट है और ये स्पेशल केक है और साथ में फ्रेंच क्यूजीन है, देखो संभाल कर डिलीवरी करना। एड्रेस दिया, रिहायशी इलाके में पेंट हाउस था। सार्थक ने डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी समन्विता। इतने सालों बाद अचानक उसको देखकर सार्थक के मन में जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा, सांसें रुक गई। मन ही मन पूछ बैठा, अचानक कहाँ चली गई थी, कोई खबर भी नहीं, ना कोई पता। साथ थे, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम कहाँ चली गई थी, क्या कोई मजबूरी थी। मैं तुम्हें भूल नहीं सका, शहर छोड़कर भी देख लिया, तुम्हें भूल नहीं पाया। ये सब प्रश्न उसके मन में ही चल रहे थे। कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, कौन है समन्विता? और समन्विता बोली थी, कोई नहीं, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उस आदमी ने कहा, पार्सल रिसीव कर लो, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है। सार्थक चुपचाप खड़ा रह गया। तो क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पैकेट लेते हुए पूछा था, तुम दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? वो कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसने कहा, त्योहार के दिन आए हो, रुको, टिप देना तो बनता ही है। फिर से उस आदमी की आवाज आई, क्या हुआ समन्विता? समन्विता ने पीछे मुड़कर आवाज दी, कुछ नहीं, डिलीवरी बॉय को टिप दे रही हूँ। वो पर्स लेने अंदर मुड़ी, सार्थक फौरन वहां से निकल गया। सार्थक के आंसुओं को अच्छा बहाना मिल गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादलों से बरसते पानी के साथ आंखों का खारा पानी भी घुल मिल गया। बाइक चलाते वक्त समन्विता नाम का पागलपन आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दिया था। सिर्फ डिलीवरी बॉय, बार बार ये बात उसके मन में गूंज रही थी। हम न समझे थे बात इतनी सी, खाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी, खाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी,
समझे थे बात इतनी सी ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की हम न समझे थे बात इतनी सी तन्हाई सिर्फ वीरानी सिर्फ तन्हाई जिंदगी हम तो ये कहां लाई खो गई हमसे राह मंजिल की हम न समझे थे बात इतनी सी ख्वाब शीशे पे दुनिया पत्थर की हम न समझे थे बात इतनी सी समझे थे बात इतनी सी ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की हम न समझे थे बात इतनी सी ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की हम न समझे थे बात इतनी सी। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने कहा, दरवाजों पर डोरबेल बजाकर घर घर तुम सिर्फ खाना नहीं देते सार्थक, खुशियाँ डिलीवर करते हो। और देखो आज खुशियाँ खुद तुम्हें तलाशते यहाँ आ गई हैं। देखो कौन है? सार्थक ने मुड़कर देखा, माँ और मनस्वी। सरप्राइज! मनस्वी के हाथ में केक था। बोली, अब तक तो मेरे फोन को अवॉइड करते थे, ये लो आज अपने बर्थडे केक को काटो, वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। सार्थक भावुक हो गया, वो भूल गया था आज उसका बर्थडे है। वो माँ से गले लगकर रो पड़ा। मनस्वी की तरफ देखकर बोला, सॉरी, डिडंट मीन टू अवॉइड यू, बट अपने काम और पढ़ाई को लेकर मैं। माँ बोली, अब बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले केक काटो। मनस्वी ने कहा, और बर्थडे बॉय के साथ हम करेंगे डिनर। सार्थक बोला, जिंदगी का बेस्ट बर्थडे सरप्राइज मिला है, थैंक यू सो मच आने के लिए और मम्मा को भी साथ लाने के लिए। देखो मैं इंडिया आते ही सबसे पहले तुमसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कुछ तो ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं। सार्थक, बचपन से ही हम कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, क्या दिल की बात मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मनस्वी, प्राइमरी स्कूल से हम साथ पढ़ते थे, पर पापा के अचानक गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। तो क्या तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल लगता था? सार्थक, नहीं नहीं मनस्वी, इनफैक्ट तुम्हारे मम्मी पापा ने तो मुझे और मेरी माँ को बहुत सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की, माँ को काम दिलवाया। तुम और तुम्हारी फैमिली कितने अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम मेरे साथ ही थी। मैं यहाँ समन्विता को ढूंढने आया था, मेरी दोस्त समन्विता। मुझे मालूम है, सीरियसली तुम ये जानती थी? सार्थक, मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम दिल्ली किस लिए गए हो। तुम दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। तुम नहीं जानते, तुम खरा सोना हो, तुम अपनी कामयाबी पर मोहर लगा सकते हो। सार्थक भावुक हो गया, बोला, मनस्वी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आज जीवन का नया साल शुरू हो रहा है, मैं नए नजरिए से जिंदगी को निहारना चाहता हूँ, नए रिश्तों की बुनियाद रखना चाहता हूँ, और उससे भी पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ।
तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए और तुम्हारे फोन अवॉइड करने के लिए मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्त तो हम हमेशा से रहे हैं, हाँ आज से हैं पक्के दोस्त। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं, ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ए, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है, ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। एंकर ने खनकती आवाज में कहा, वाकई इसमें प्रेरणा भी है और प्यार भी। सार्थक जी वापस आइए। सार्थक ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था मैं कहाँ पर हूँ। दरअसल जब कोई स्टार्टअप की दहलीज पर कदम रखता है ना, तो अपनों के सहारे की बहुत जरूरत होती है। शुरुआती दौर संघर्ष से भरा होता है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मैदान छोड़कर भाग जाने का मन करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मेरे जीवन की नारी शक्ति ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज अगर मेरी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ है तो वो है मेरी माँ और मनस्वी, तभी मैं क्षितिज की उड़ान ले पाया हूँ।
तो दोस्तों, ये थी कहानी दस्तक खुशियों की, जिसे आपके लिए लिखा था शीतल शाह ने। सपने जरूर पूरे होते हैं अगर उन्हें खुली आंखों से देखा गया हो। आज की कहानी जिसमें सार्थक ने जिंदगी शुरू की एक डिलीवरी बॉय से और बन बैठा एक बहुत बड़े स्टार्टअप का मालिक। इसमें भी तो थे उसके देखे गए सपने, मेड इन इंडिया के सपने, उसकी सोच जिससे कि स्टार्टअप को मिली थी गति और प्रगति। तो संभव सब कुछ है, जरूरत है अगर आप मन में कोई भी बात ठान लें, कोशिश करें, तो जरूर कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। और इसी संदेश के साथ हम समेटते हैं आज की कहानी दस्तक खुशियों की। रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।